Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear friends. Hope you will be fine with good health. Now let us see the new video of depression and its management, part 5. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor of Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha. इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें डिप्रेशन की ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिकली फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी फार्माकोलॉजिकल यानी थेरेपी इसकी करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स जो है अवेलेबल हैं। ऑलरेडी साइकोथेरेपी के बारे में कुछ बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम फार्माकोथेरेपी की तरफ आएंगे, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स अवेलेबल हैं और कौन सी न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स आ रही हैं और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या क्या कम्बिनेशन होगा और कैसे ड्रग को छोड़ना चाहिए, यानी अब्रप्टली ड्रग को नहीं छोड़ना चाहिए, टाइमली और ग्रेजुअली या टेपरिंग के साथ छोड़नी चाहिए। तो इसको गौर से आपने समझना है। रिमिशन रिलैप्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उसको अगर कोई इश्यू है किसी किस्म का तो यू कैन आस्क इन दी जो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन। अब जो है हम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड वॉच द वीडियो फुल। नाउ लेट अस सी। सबसे पहले बात है कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स को हमने देखना है कि साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी को कम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करनी होती है। पहले नंबर पे जो है साइकोथेरेपी इस्तेमाल करवाते हैं, फिर साथ साथ फार्माकोथेरेपी भी स्टार्ट करवा देते हैं और मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट्स का क्या है, इसके बाद फार्माकोथेरेपी इनिशिएशन कैसे करवानी चाहिए, स्टार्ट में कैसे करना चाहिए, टिपिकल एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स कौन सी हैं, अदर एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स कौन सी हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाउ लेट अस सी हियर के फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी आर ऑफन यूज्ड इन टैंडम टू इफेक्टिवली ट्रीट डिप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट इशू है, कॉमनली प्रैक्टिस है जो इसको दोनों को यूज करना चाहिए। नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, सेरोटोनिन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये अलर्टनेस एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनालिन भी इसे कहा जा सकता है, दूसरा नाम है। डोपामीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है, हार्ट रेट में इसका रोल है। इसके बाद अटेंशन करवाता है, मोटिवेशन करवाता है, प्लेयर देता है, खुशी देता है और रिवार्ड देता है बंदे को, डोपामीन। इसी तरह ब्रेन में जो है सेरोटोनिन जो है या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन इसे कहा जाता है। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसका रोल है और एंग्जाइटी में रोल है, स्लीप में इसका रोल है, बहुत सारे इसके जो है रोल देखे गए हैं। इसमें सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग सैड, एम्प्टी और टीयरफुल, फीलिंग वर्थलेसनेस, गिल्टी, होपलेसनेस एंड हेल्पलेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर इन यूर यूजुअल एक्टिविटीज, स्लीप एंड ईट मोर और लेस देन यूजुअल, यानी हाइपरसोमनिया या इंसोमनिया हो जाता है, लो एनर्जी, ट्रबल कंसंट्रेटिंग और थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइडल थिंकिंग हो जाती है, साइकोमोटर एजिटेशन, नर्वस एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, साइकोमोटर रिटार्डेशन भी हो जाती है, फीलिंग लाइक यू आर मूविंग एंड थिंकिंग इन स्लो मोशन, बहुत कम आस्ते आस्ते स्लो मोशन में सोच रहे, सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर जो है वो हो सकते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द मेन टारगेट कि हमारे पास क्या है ट्रीटमेंट का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द डिप्रेशन ट्रीटमेंट। इसमें फॉर द चॉइस ऑफ द मेडिकेशन सेवरल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द डॉक्टर, प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट, ये चीजें देखनी होती हैं डॉक्टर को कि प्रीडोमिनेंट सिम्टम कौन से ज्यादा आ रहे हैं, उसको कैसे हल करना, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट एज वेल एज साइड इफेक्ट को भी साथ देखना होता है। ये ड्रग्स के बारे में सारा बताया जा रहा है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर इज डिप्रेशन इज क्रूशल, यानी जो डायग्नोसिस करता है उसमें ये लाजमी देखा जाए। ड्रग्स आपने अगर यूनिपोलर के दे दिए या बाइपोलर के दे दिए तो वो भी आगे डिजीज इंड्यूस कर सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकता है, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस इज एसेंशियल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सेवरल स्टडीज सजेस्ट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड साइकोथेरेपी इज द बेस्ट अप्रोच बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉजेज ऑफ मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, के बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कॉजेज हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं इसकी, रीजन हैं जिनकी वजह से इन दोनों थेरेपी को अगर कॉम्बिनेशन में देंगे तो ज्यादा बेटर इलाज होगा।
अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स के क्या क्या मैकेनिज्म हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेन जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो लिहाजा उसमें हम मूड डिसऑर्डर या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द एग्जैक्ट न्यूरोकेमिकल डिस्फंक्शन ऑफ डिप्रेशन इज अननोन या नॉट नोन, तो न्यूरोकेमिकल जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अननोन है अभी तक, यानी जनरली जो ड्रग दी जा रही है एंटी डिप्रेसेंट वो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑन द एनिमल मॉडल और ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर जो है इफेक्ट देखने के बाद इसका पता चला कि ये प्रॉब्लम करते हैं और ये ज्यादातर इन्वॉल्व हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक भी अननोन है कि कौन कौन से और न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट अपीयर टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन 5-hydroxytryptamine भी से कहा जाता है, बहुत सारी इनकी सब टाइप्स हैं, नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन उनके ग्रुप का है, यानी कैटेकोलामिन्स में से है, इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी बढ़ानी होती है एंटी डिप्रेसेंट में। एंटी डिप्रेसेंट जो है री अपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को बढ़ाना होता है, ये कम हो जाते हैं ब्रेन में। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट में डिप्रेशन में खासतौर पर सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन और जो तीसरा जो इसमें डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रेन में कम हो जाते हैं कुछ हिस्सों में जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, तो उनको हमने इनहांस करना, वो ड्रग्स हम देंगे जो इनकी एक्टिविटीज को इनहांस करेंगे। हाउएवर एट द सेम टाइम रिसेंट प्री क्लिनिकल स्टडीज शो दैट एंटी डिप्रेसेंट कंसिस्टेंटली रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द लोकस कोरियोलस इन द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जैसे फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का यह हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन और पॉन्स मेडुला ओब्लॉंगेटा ये वाली चीजें शामिल होती हैं। वेयर नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स आर लोकेटेड, इसमें नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स जो है ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं, ये इनको जाके स्टिमुलेट करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आल्सो इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ BDNF, ये न्यूरोट्रोफिन जो इन्वॉल्व है, न्यूरोट्रोफिन है जो कि इन्वॉल्व है न्यूरोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, तो लिहाजा इसकी वजह से हो जाता है इन्वॉल्व इन न्यूरोजेनेसिस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी में इन्वॉल्व है, यानी ब्रेन की जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है, न्यूरॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इसके भी खिलाफ जो इंक्रीज करने के लिए BDNF भी कम हो जाता है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, तो इनहांस करने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है। फार्माकोथेरेपी में अगर हम बात करें तो कैसे इनिशिएट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन रिक्वायर ए फ्यू वीक्स टू डेवलप देयर फुल एंटी डिप्रेशन इफेक्ट, इट इज ऑल्सो इसेंशियल टू इंस्ट्रक्ट पेशेंट ऑन प्रॉपर एडियरेंस के कंटिन्यू करें मेडिसिन को, अगर कोई साइड इफेक्ट है तो फौरी तौर पर डॉक्टर को इतला दे, वो ड्रग को चेंज कर देंगे, और एडियरेंस से मुराद है कि उसको प्रॉपर टेक करें जैसे टाइम बताया गया है, सुबह शाम, रात को खानी है तो रात को खाएं, सुबह को खानी है तो सुबह को खाएं, प्रॉपर यानी एडियरेंस टू मेडिकेशन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट वो बताना चाहिए। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद SSRIs खासतौर पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो ड्रग्स हैं इन दी वीमेन इन दी फीमेल, तो SSRIs है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कैन इंक्लूड GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो काज करवाते हैं, वेट गेन करवाते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन काज करवाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेज काज करवाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इनिशिएशन जब करवाएंगे तो इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसको काउंसल करना चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, काउंसल पेशेंट ऑन रिस्क ऑफ अब्रप्टली स्टॉपिंग, अगर महीना दो तीन महीने इस्तेमाल हो चुके हैं मेडिसिन, उसको छोड़ना है चेंज करना है तो फिर क्या होगा, फौरी तौर पर उस दवाई को एक दिन में खत्म नहीं करना, उसकी टेपरिंग करनी चाहिए ऐसा ऐसा डोज की, अगर 20 मिलीग्राम डोज है स्टालोप्राम की तो उसको 10 मिलीग्राम में पहले करें 10 दिन 15 दिन, फिर 10 मिलीग्राम को 5 मिलीग्राम में करें, फिर 5 मिलीग्राम के बाद 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद उसको छोड़ दें, कम से कम एक महीना इसको लगता है रिवर्स करने में। फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट बिकॉज डिसकंटिन्यूएशन विदाउट टेपरिंग कैन ऑफन लीड टू अनडिजायरेबल सिम्टम्स एंड सुसाइडल बिहेवियर भी क्रिएट कर सकते हैं, अनडिजायरेबल सिम्टम्स साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे फौरी तौर, और वही डिप्रेशन दोबारा डेवलप हो जाता है समटाइम्स। पेशेंट शुड आल्सो बी अवेयर दैट दीज मेडिकेशंस आर नॉट एडिक्टिव, ये एक अहम पॉइंट है सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है कि ये जो ड्रग्स हैं एडिक्टिव नहीं है कि आप एक दफा खाएंगे तो आप कहेंगे बार बार उन्हें खाते रहें सारी जिंदगी, ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हैं, डिप्रेशन जब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली एडिक्शन इनकी कोई नहीं होती, खत्म कर सकते हैं हम इसको ऑटोमेटिकली, लेकिन टाइम लगता है, सिर्फ महीने का टाइम लगता है या दो महीने लगते हैं जिसमें इसको ऑटोमेटिकली थोड़ी मकदार में डोज में कम किया जा सकता है, अदरवाइज एडिक्शन नहीं है।
इसके बाद मेडिसिन फॉर डिप्रेशन के लिए देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। इसमें BDNF के बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन वो भी हम बताएंगे। ट्राइसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, एनमिथाइल डी एस्पार्टेट NMDA एंटागोनिस्ट्स हैं। ये देखें ना, एगोनिस्ट हैं सारे का, ये जो है एंटागोनिस्ट है। न्यूरो एक्टिव स्टीराइड गैमा अमीनोब्यूटायरिक एसिड यानी GABA A रिसेप्टर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एक ड्रग अवेलेबल है जो कि इनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेटेस्ट ड्रग है मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टिपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कौन सी हैं। मैं डिपेंड कर रहा हूँ कि कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं जो सबसे पहले यूज हुई हैं, सबसे पुरानी हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टिपिकल ट्राईसाइक्लिक और टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेशन एजेंट्स, इसमें कौन कौन से जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, और भी इसमें हो सकती है क्लासिफिकेशन। हमने चंद एक मेन ड्रग्स यहाँ पे ली हैं, इमिप्रामीन, डेसिमिप्रामीन, एमिट्रप्टाइलिन, नॉट्रप्टाइलिन, क्लोमिप्रामीन। दीज आर द ड्रग्स टिपिकली ट्राईसाइक्लिक और कुछ टेट्रासाइक्लिक हैं, यानी चार साइकिल वाली हैं और कुछ ट्राईसाइक्लिक हैं। इनहिबिशन ऑफ इनका मेन क्या है, टारगेट है कि इनहिबिशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन 5-hydroxytryptamine रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। रीअपटेक यानी वापस दोबारा जब जाती है नॉरएड्रेनालिन वापस जाती है सेरोटोनिन 5-hydroxytryptamine, तो इनको इनहिबिट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर पे रहें और इसका जो डिप्रेशन की कंडीशन है उसको कम करें। इसमें जो है अनवांटेड इफेक्ट में देखें सिडेशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, पोस्टरल हाइपोटेंशन ये कॉज कर सकती हैं, अल्फा रिसेप्टर पे भी इफेक्ट है, सीजर्स कॉज कर सकती हैं, इंपोटेंस कॉज कर सकती हैं, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, इंटरेक्शन विद CNS डिप्रेसिंग ड्रग्स हैं, खासतौर पे अल्कोहल और मो इनहिबिटर्स के साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ। और इसमें जो रिस्क ऑफ ओवरडोज में देखें वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया है, कार्डियक प्रॉब्लम है, अरिथमिया हो जाता है, हाई रिस्क इन कम्बिनेशन विद CNS डिप्रेशन के साथ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि वो जो है एक्टिविटी एक्टिवेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं एक दूसरे की। इनमें जो भी CNS सुप्रेसेंट्स हैं या स्टिमुलेंट है दोनों को अवॉइड करना चाहिए। टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, इसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। ये ड्रग्स बहुत पुरानी है, 1980s में ये डिस्कवर हुई है, फ्लोक्सिटीन और 83 है या लगभग इसके जो सन है। इसमें फ्लोवॉक्सामीन है, प्रोक्सिटीन है, स्टेलोप्रैम है, सेल्ट्रालीन है, ये कॉमनली ड्रग्स इस्तेमाल होती है, SSRIs ने कहा जाता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं मेल में और फीमेल दोनों पेशेंट्स में दिए जा सकते हैं। खासतौर पे ऑल हाईली सिलेक्टिव फॉर सेरोटोनिन 5-hydroxytryptamine इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ 5-hydroxytryptamine, खासतौर पे सेरोटोनिन रीअपटेक करते हैं सिर्फ, इसमें नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन का रोल नहीं है। तो नाजिया, डायरिया, इसमें अनवांटेड इफेक्ट में एजिटेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, एनऑर्गेज्मिया यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाना, नॉर्मल नहीं रहती सेक्सुअल प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, ड्रग इंट्रेक्शन देखा गया है, सो रिस्क ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन इज कॉमन, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर और ड्रग आप साथ ले रहे हैं तो पेशेंट को डॉक्टर को बताना चाहिए। रिस्क ऑफ ओवरडोज क्या है, लो रिस्क इन ओवरडोज बट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मो इनहिबिटर्स, ये सिर्फ है कि मो इनहिबिटर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करनी चाहिए, वो भी सेम डिप्रेसेंट है, ये भी डिप्रेसेंट है, तो पोटेंशिएशन काज कर सकते हैं ब्रेन में, पोटेंशिएशन काज करने से साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुछ ड्रग्स की अदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी हैं, अदर 5-hydroxytryptamine नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs इन्हें कहा जाता है, एस से मुराद इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे वेनलाफिक्सिन, डिसवेनलाफिक्सिन, वीक नॉन सेलेक्टिव ये है, नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन और 5-hydroxytryptamine यानी सेरोटोनिन और रीअपटेक इनहिबिटर्स आल्सो नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट्स, नॉन सेलेक्टिव है, वीक नॉन सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन 5-hydroxytryptamine अपटेक इनहिबिटर आल्सो नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट्स, नो पोटेंशियल इफेक्ट्स आर रिस्क्स आर सीन। डिलॉक्सिटीन इज आल्सो न्यू ड्रग एंड कॉमनली यूज्ड फॉर पेशेंट्स, इसमें डिलॉक्सिटीन जो है पोटेंट नॉन सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन 5-hydroxytryptamine रीअपटेक इनहिबिटर, नो एक्शन ऑन मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मोनोअमीन के ऊपर और इफेक्ट नहीं है, फीवर साइड इफेक्ट्स देन वेनलाफिक्सिन, सेडेशन, डिजीनेस, नौजिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन इज आल्सो वेरी कॉमन,
और लो रिस्क इन ओवरडोज बट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन नो इनहिबिटर्स, ये सबसे पहले बताया जाता है। एक नई ड्रग आई है लिवो मेलेनासेप्रान, मेलेनासेप्रान ये भी इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और ये भी अवेलेबल है और ये ट्रीटमेंट में एटिपिकल ड्रग है, न्यू ड्रग है और इस्तेमाल होती है। इसका मैकेनिज्म भी सेम है, SNRI इनहिबिटर है ये बेसिकली। इसके बाद है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी हैं, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन सिलेक्टिव इनहिबिटर हैं, रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, रीअपटेक भी यहाँ पे लिखा जा सकता है क्योंकि उनका भी सेम मैकेनिज्म है। बिप्रोपियान है इसमें सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन ओवर 5-hydroxytryptamine, यानी नॉरएपिनेफ्रिन को या नॉरएड्रेनालिन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है, 5-hydroxytryptamine के ऊपर, सेरोटोनिन के ऊपर कम करती है। ऑल्सो इनहिबिट डोपामिन के साथ भी इफेक्ट करती है और इसका मेटाबोलाइट है रेडाफेक्सिन, जो इसका कन्वर्ट होता है मेटाबोलाइट बॉडी के अंदर, लिवर इसको कन्वर्ट करता है, एक्टिव मेटाबोलाइट है और उसका रेडाफेक्सिन का नाम दिया जाता है, बताया जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम है अनवांटेड इफेक्ट्स में हेडेक है, ड्राई माउथ, एजिटेशन और इंसोमनिया जो है ये कॉमन है। सीजर्स एट हाई डोजेज में देंगे तो सीजर हो सकते हैं बिप्रोपियान से, और भी इसके यूजेस हैं बिप्रोपियान के। मेप्रोटिलीन, जो मेप्रोटिलीन है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है बेसिकली। एस टी सी एस नो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस आर देयर, एस टी सी एस ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जैसे दिया था उसी तरह का इनका मैकेनिज्म है, सेम यूजेस है। रिबॉक्सिटीन है डिजीनेस इंसोमनिया, इसमें ये मैकेनिज्म जो है सेम है, नॉरएपिनेफ्रिन के इन्हीं ग्रुप का ये हिस्सा है रिबॉक्सिटीन। डिजीनेस इंसोमनिया एंटीकोलिनर्जिक फैक्टर्स कॉमनली सीन और सेफ इन ओवरडोज, लो रिस्क ऑफ कार्डिक एरिथमिया इसका कम होता है, रिस्क कम होता है, लेकिन टीसीएज में बाकी में रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। इसके बाद एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एटिपिकली जो अब नई ड्रग्स हैं कुछ, जो टिपिकल जो क्लासिकल ड्रग्स कहा जाता है, एटिपिकल मतलब न्यू ड्रग्स। इसमें मिर्टाजापीन है, मिर्टाजापीन जो है ब्लॉक्स अल्फा 2 5-hydroxytryptamine 2C एंड 5-hydroxytryptamine 3 यानी सेरोटोनिन को, रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं और इनको रीअपटेक करवाते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं अल्फा 2 को। ड्राई माउथ क्योंकि अल्फा रिसेप्टर एक्टिविटीज में ये और भी इफेक्ट करते हैं, ड्राई माउथ, सिडेशन, वेट गेन हो सकता है। नो सीरियस ड्रग इंटरेक्शन इज सीन। ट्रेजोडोन, नफाजोडोन जो है कॉमन ड्रग्स हैं, ये भी एटिपिकल में शुमार होती हैं। ब्लॉक्स 5-hydroxytryptamine 5-hydroxytryptamine 2A एंड 5-hydroxytryptamine 2C रिसेप्टर एज वेल एज H1 रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर H1 को भी ब्लॉक करती हैं। CNS वीक 5-hydroxytryptamine रीअपटेक इनहिबिटर इनहांसेस नॉरएड्रेनालिन 5-hydroxytryptamine रिलीज को इनहांस करती हैं, यानी उसका मेन एम यही है, रीअपटेक जो है सेरोटोनिन की बढ़ाते हैं, नॉरएड्रेनालिन की बढ़ाते हैं, बेसिक जो मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके हैं। सिडेशन ये कॉज करवा सकती हैं, हाइपोटेंशन कॉज करवाती हैं, मिर्टाजेपिन जो है ये भी सिडेशन कॉज करवाती है और ये देखा लिखा हुआ सिडेशन, और नींद के साथ साथ इसको नींद की दवाई भी नहीं देते साथ मेटाजिपिन के साथ, ताकि वो खुद ही नींद करवाती है, सिडेशन करवाती है। इसमें भी सिडेशन है, ट्रेजोडोन मेफाजोडोन में सिडेशन है और कार्डिक अरिथमिया में ये काज कर सकती है, नो पोटेंशियल रिस्क है। नियासिरिन जो है ब्लॉक्स अल्फा 1 अल्फा 2 5-hydroxytryptamine 2A एंड H1 रिसेप्टर्स माइल्डर एंटीमस्करिनिक एंड कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स देन टीसीएज। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ए प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती है, इसको प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए, यानी बोन मैरो डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, और इसका रिस्क जो है ओवरडोज के अननोन है। इसके बाद अदर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कौन कौन सी है, मो इनहिबिटर्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, दीज आर आल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एंटी डिप्रेशन इफेक्ट। इसमें फिनलजीन है सबसे पहले, प्रोनाइल सेप्रोमीन है, आइसोकार्बोक्साइड है, मैक्लोबीमाइड है और स्लिजिलाइन जो है ये कॉमन ड्रग्स है। इसमें सबसे पहले देखें कि ये नॉन सेलेक्टिव हैं, ये पहले वाली, और ये सेलेक्टिव ए है, नॉन सेलेक्टिव ए माओ ए और माओ बी दोनों को ब्लॉक करते हैं, दो होते हैं ना टाइप्स, इनके सब टाइप्स होते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बी, और चीज रिएक्शन कॉमन है ये, अगर टैरामीन कंटेनिंग फूड अगर इनटेक करेंगे तो चीज रिएक्शन होगा टैरामीन कंटेनिंग फूड के साथ, यानी उसकी सीएनएस की जो इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फौरी तौर पे इसको इनहिबिट करना होता है, सेरोटोनिन का जो इफेक्ट है वो इसका बढ़ जाता है, डोपामिन मो इनहिबिटर्स का। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर कॉमन, हाइपोटेंशन, इंसोमनिया, वेट गेन, लिवर डैमेज इज रेयर,
मैनी इंटरेक्शन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के साथ, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के साथ, सिंपथोमिमेटिक ड्रग्स के साथ नहीं देना चाहिए उसको, MAO इनहिबिटर्स को, क्योंकि ये उनकी एक्टिविटी को भी इन्हांस कर देंगे। रिस्क ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन ड्यू टू चीज रिएक्शन, हाइपरटेंशन खासतौर पर यह बढ़ा देती है, हाइपरटेंशन इंक्रीज कर देंगे, वेरी सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स से और जो बाकी ड्रग्स हैं उनको अगर इस्तेमाल कर रहा है कोई पेशेंट तो उनके साथ MAO इनहिबिटर नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो है हम मेक्लोबीमाइड के साथ बात करते हैं, MAO ए इन सेलेक्टिव शॉर्ट एक्टिंग है, नाजिया, इंसोमनिया, नींद ना आना, एजिटेशन जो है वो काज करता है, इंटरेक्शन लेस सीवियर देन विद अदर MAO इनहिबिटर्स, नो चीज रिएक्शंस आर सीन विद मेक्लोबीमाइड के साथ, नहीं देखा गया। इसके बाद न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, 2009 में डिस्कवर हुई हैं, अभी लेटेस्ट इनका यूज है। एक है ब्रेक्सोनोलोन, ब्रेक्सोनोलोन न्यूरो एक्टिव स्टीराइड, गाबा ए रिसेप्टर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था जो सातवां रिसेप्टर था जिनको ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेट करवाता है ब्रेक्सोनोलोन फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए, औरतों में ये होता है यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो डिप्रेशन हो जाता है उनके अंदर, उनके लिए खासतौर पर इस्तेमाल होती है, कंटिन्यूस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन में दी जाती है कम। रिस्क फॉर सेडेशन, टायर्डनेस एंड सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, इसलिए नींद जो है वो करवानी होती है, सफर इसमें नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता। इसके बाद एस्किटामीन, कैटामीन का डेरिवेटिव उससे मिलता जुलता है, कैटामीन जो है जनरल एनेस्थेटिक में ये ड्रग इस्तेमाल होती है और NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिस्क फॉर टेम्परेरी सेडेशन, टायर्डनेस एंड डिसोसिएशन, डिफिकल्टी विद अटेंशन, जजमेंट एंड थिंकिंग अचानक बंद हो जाती है, यूफोरिक इफेक्ट हो जाता है, डिसोसिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड, के दुनिया से अलग हो गए, कोई पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, तो ये कंडीशन है। कैटामीन भी यही करता है और इनहेलेशन फार्मूलेशन में ये अवेलेबल है उनके लिए जो पेशेंट होते हैं जो रिजिस्टेंट होते हैं डिप्रेशन में, नहीं काम कर रही ये पहले वाली ड्रग्स, तो उनमें ये नई न्यूअर ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके बाद मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए कौन सी दी जाती है, ट्रीटमेंट रिजिस्टेंट डिप्रेशन TRD, ये हम देखते हैं इनके लिए क्या करते हैं। वन ऑप्शन इज टू एड ए सेकेंड एंटी डिप्रेसेंट फ्रॉम ए डिफरेंट क्लास, एक तो ये बताया गया कि सिर्फ डिप्रेशन से एक ड्रग ले लें, एक और कोई कम्बिनेशन थेरापी में कोई ड्रग ऐड करें, वो डिप्रेशन की ना हो, एंटी कन्वल्सेंट की हो या एंटी साइकोटिक ड्रग की हो, उसको ऐड करें, इसमें लिथियम भी शामिल किया जा सकता है जो एंटी साइकोटिक ड्रग है, एरीपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल, क्वेशियापीन, ये नींद भी करवाती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, स्किट्सोफ्रेनिया के लिए, हेलोसिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सारी ड्रग्स, और FDA अप्रूव्ड एज एड ऑन थेरेपीज, ये भी FDA ने अप्रूव किया है, फूड एंड हेल्थ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है USA में, उन्होंने इसको अप्रूव किया है कि एंटी डिप्रेशन अगर है जिसमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है उसमें ये ड्रग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलंजापीन फ्लोक्सिटीन का कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ड्रग दैट कंटेन्स द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन फ्लोक्सिटीन एंड ओलंजापीन का ये कॉम्बिनेशन है, ड्रग्स जो है वो टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ये भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें कौन कौन सी इसमें दी जा सकती हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इंक्लूड मेडिकेशंस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी to control symptoms and also may include education and support groups. Medication may include mood stabilizers, antipsychotics, antidepressants, antidepressant antipsychotic combination, psychotic combination, anti-anxiety medications can also be given to the patient of bipolar disorders. So I think this has finished, this video has finished. Please watch this video and subscribe my channel for further updates. Thank you very much for your listening, for your time. God bless you all. Allah Hafiz. इसके बाद एक और वीडियो है जिसके बारे में अभी मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वो भी आपने देखनी है. Thank you. Allah Hafiz.